आज जो आपकी बैठक थी टीएसएस की, उस बैठक की प्रोसीडिंग के बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, मैं टीएसएस मूल का सिपाही उस समय से हूँ। 2015 के आंदोलन के बाद जो टीएटी शिक्षकों के साथ जो अन्याय हुआ, उसके बाद हम एक ऐसे संगठन का निर्माण नींव की ओर जा रहे थे कि जो आठवीं के मुद्दे पर हो, 1-8 के शिक्षकों पे हो, 1-8 के मुद्दे पर लड़ाई लड़े, ताकि हमारे जिस कैडर में हैं उन भाइयों को न्याय मिले। इसीलिए हमने एक नए संघ, एक नए रास्ते की तलाश की और उसका नाम था टीएसएस, टेट शिक्षक संघ। उसमें भी बिखराव उतार चढ़ाव होते रहे, आते रहे, और हम लोग भोजपुर के भाई तन मन धन से उस चीज़ को तन्मयता से निभाया और टीएसएस को बुरे स्थिति से लेकर आज बुलंदियों को पहुंचाने के लिए भोजपुर के सभी शिक्षक, कार्यकारिणी के सदस्य, प्रखंड अध्यक्ष साथ दिए। सुप्रीम कोर्ट के मुद्दा हो, चाहे रिव्यू पिटीशन हो, चाहे डीओ ऑफिस हो, सभी जगह हम लोगों ने साथ दिया। लेकिन आज एक 78 का मुद्दा, जो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा आ गया है, जिसके चलते हमारे टीएसएस मूल के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर एक अंदर से अहम भावना आ गई है कि ये पुराने जिले कुछ नहीं है। न कटिहार की बात सुनी जा रही है, न पटना जिला की बात सुनी जा रही है, न बांका जिला की बात सुनी जा रही है। सब मनमानी संघ में पनपे विवाद को दूर करने के लिए उनके पास समय नहीं है, लेकिन अन्य जिलों में गठन करने के लिए उनके पास समय है। मेरा जिला अध्यक्ष भोजपुर के नाते और संगठन से शुरू से जीरो स्तर से जुड़ाव के कारण मैं इतना ही चाहता था कि प्रदेश स्तर पर एक लीगल कमेटी बनाई जाए, पारदर्शिता रहे, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे जिले के सचिव और अध्यक्ष रहें और केस हाई कोर्ट में लड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेटिशनर बनाया जाए प्रखंड स्तर से, 1-5 वाले शिक्षक, 6-8 वाले शिक्षक, ताकि हमारे मैसेज पूरे बिहार में जाए और टेट शिक्षक भाई जो केस केस के नाम पर ठगे जा रहे हैं वो ठगे ना जाए, एक मजबूत इरादे से केस लड़ा जाए। इसी मजबूत इरादे के साथ मैंने प्रदेश नेतृत्व को हमने फैसले सुझाव दिया था कि ये सब काम करनी चाहिए, लेकिन वो बैठक नहीं बुला रहे हैं, वो मनमानी कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी की तरह चला रहे हैं। तो संघ का मतलब होता है कोई प्राइवेट कंपनी, एक आदमी डिसीजन नहीं लेगा वहाँ पर। संघ जो बनता है कार्यकारिणी से बनती है और सभी सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिए जा रहे। तो भोजपुर के आम शिक्षकों की आज बैठक में क्या राय बनी? तो भोजपुर के शिक्षकों ने यही निर्णय लिया, जिस जिला कार्यकारिणी की बात को प्रदेश नेतृत्व नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, तो उनके साथ बने रहने का कोई अचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेट शिक्षकों का जो मुद्दा है प्रदेश स्तर पर, हमारे भोजपुर जिले में फिक्सेशन, अभी जो 9 प्रशिक्षित डीएलएड शिक्षक हैं उनका फिक्सेशन तो नहीं हो रहा है। क्या भोजपुर जिला के जो आम शिक्षक है या जो भोजपुर की कार्यकारिणी टीम है वो टीएसएस मूल के बैनर को छोड़ रही है? अभी तो सामूहिक रूप से जितने भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष, सचिव, जिला कार्यकारिणी के सदस्य सामूहिक रूप से कह रहे हैं कि जिस संघ में पारदर्शिता नहीं रहे, जिसका अध्यक्ष ही बात नहीं सुने, बैठक ही नहीं बुलाए, तो ऐसे संघ के बारे में आगे का रास्ता तय करना उचित नहीं होगा। जब हमें काम करना है तो भोजपुर की धरती क्रांतिकारी धरती रही है और यहाँ से नए संखनाद होगी और भोजपुर जिला पीछे नहीं रहेगा, अब आगे बढ़कर नेतृत्व करने की क्षमता रखता है और भोजपुर के टेट शिक्षक भाइयों की जो भी समस्या है हम लोग मिलकर बिना पद और लालच के दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे भोजपुर का जो गंभीर समस्या है फिक्सेशन का मुद्दा, 2.57 का जो समस्या है, अभी सुनने में आ रहा है कि एक इंक्रीमेंट काटा जा रहा है, तो इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी प्रदेश स्तर पर। जितने भी संघ नेतृत्व हैं मैंने समन्वय समिति के नाम पर ढूंढ करते हुए देखा है और 5 सितंबर 17 और 18 तारीख को जो भी आंदोलन हुए, शिक्षक एक बृहत आंदोलन के मूड में है और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व जो है अपनी दुकानदारी के चक्कर में आम शिक्षकों के हित में कोई भी निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं है और द्वंद्वात्मक बातें कर रही है, जिसे पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों में टेट शिक्षक सहित भ्रामक स्थिति पैदा हुई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भोजपुर की धरती से हम सब एक नए शुरुआत करें, किसी संघ का मनमानी नहीं चलेगा, सभी शिक्षकों को
अपनी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि हक अधिकार अध्यक्ष और सचिव को नहीं मिलेगा, आम शिक्षकों को मिलेगा। इसलिए मेरा पूरे तमाम टीएट शिक्षकों सहित नियोजित शिक्षकों से मार्मिक अपील है कि किसी संघ संगठन पर पूरा भरोसा करने से पहले अपने आप को तौलिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए, और जब आप अधिकार के लिए लड़ना सीख जाएंगे तो आपका हक मिलेगा। तो अभी आप जैसे टीएसएस मूल के भोजपुर का बैनर छोड़ रहे हैं, तो क्या अब आप भोजपुर के आम शिक्षकों की लड़ाई को लड़ेंगे? क्या बैनर से ऊपर उठकर आप लड़ाई लड़ेंगे? बैनर क्या मायने रखता है, आम आवाम की लड़ाई लड़ने के लिए आम शिक्षक जागरूक है। मेरा यही है कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री को बताने के लिए यहाँ से न्याय यात्रा आने पर समय को शुरू करूंगा पूरे भोजपुर जिले में, और पूरे भोजपुर जिले के शिक्षकों को जगाऊंगा कि एक किसी संगठन की लड़ाई नहीं है, ये आम नियोजित शिक्षकों की लड़ाई है और आम टेट शिक्षकों की लड़ाई है। अपनी अहम को त्यागिए और घर से निकलिए, और जहाँ पर भी दलाली हो रहे हैं, मनमानी हो रहे हैं बीआरसी स्तर पर, जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, उसको मुंहतोड़ जवाब दीजिए। ये सबकी लड़ाई है और इस लड़ाई में जो भी अच्छा करे उसका साथ देना चाहिए। मैं आज पूछे मन से टीएसएस मूल को छोड़ रहा हूँ। दुख हो रहा है कि जिस टीएसएस मूल को बनाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत किया सभी भाइयों ने, आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, दुख भी हो रहा है, खुशी भी हो रहा है कि मैं एक ऐसे संघ का नेतृत्व भी चयन किया था कि 1-8 का कैडर था, आगे चलकर लड़ाई लड़ेगी, राइट टू एजुकेशन के मुद्दे पर, सहायक शिक्षक का मुद्दा रहेगा। लेकिन यहाँ पर दुकानदारी के चक्कर में, मनमानी रवैये के चक्कर में हमारा उनसे मोहभंग हो चुका है। जो संघ एक बैठक नहीं कराए, कार्यकारिणी का निर्णय मानने के बाद नहीं है, अकेले डिसीजन ले, तो वैसे संघ का कोई औचित्य नहीं है। और मैं यहाँ निर्णय अकेले नहीं ले रहा हूँ, मेरे जितने भी संघ संगठन के भाई हैं, बंधु हैं, उन्होंने लिया है, क्योंकि 2 महीना पहले ही मैंने प्रदेश नेतृत्व को अपनी सुझाव दिया था कि एक बैठक किया जाए और सशक्त टीम बनाया जाए, ताकि पूरे बिहार में आम टेट शिक्षकों के बीच में एक मैसेज आए कि टेट टीएसएस मूल सही में टेट शिक्षकों का हितैषी है। भाइयों, मैं आज दुखी मन से भोजपुर जिला अध्यक्ष पद नहीं, पूरे कार्यकारिणी जो टीएसएस मूल छोड़ने का निर्णय ले रहा हूँ। अगली लड़ाई जो होगी आपस में सहमति के साथ, आम शिक्षक के नाते टेट शिक्षक संघर्ष मोर्चा भोजपुर के नाम से हम लोग लड़ेंगे और टेट शिक्षकों की आवाज़ को पूरे भोजपुर में बुलंद करेंगे। जय हिंद।